और आइए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लगातार देखिए उठते धुएं से लोग परेशान हैं। खबर यह है कि आग पर तो काबू पा लिया गया है, गाजीपुर लैंडफिल साइट की हम बात करें। कल शाम से यहां पर आग लगी हुई थी और दमकल की कई गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया है। कूड़े के पहाड़ में गैस से भड़की आग और पिछले 16 घंटे से धधक रहा है कूड़े का पहाड़। दमकल की कई गाड़ियां, अब जानकारी मिल रही है कि आग बुझाने में जुटी हुई हैं। बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि गैस की वजह से उस कूड़े के ढेर में, उस कूड़े के पहाड़ में आग लगी, लेकिन ये पहली बार नहीं है। कई बार यहां पर गाजीपुर लैंडफिल साइट और भलिस्पा, हम दोनों की बात कर रहे हैं, यहां पर आग लगती रही है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आग लगने की खबरें आई हैं तो गाजीपुर लैंडफिल साइट से ही आई है। एक बार फिर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आग तो काबू कुछ हद तक पा ली गई है, लेकिन उठता धुआं लोगों को काफी परेशान कर रहा है। जितने भी वहां पर इलाके हैं सब में धुआं फैला हुआ है और पॉल्यूशन आप जानते हैं कि दिल्ली का हाई लेवल पर रहता है। खासतौर पर इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन रहता है और ये उठता धुआं और ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या फिर सांस लेने में जिन लोगों को तकलीफ है, उनके लिए धुआं बहुत ज्यादा खतरनाक है। भारतीय जनता पार्टी का रहा, पर ये मौका नहीं है राजनीति करने का। मुझे लगता है दिस इज रियली शेमफुल अगर ऐसी कोई राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम सबको मिलकर जनता के भलाई के बारे में सोचना है, आसपास की जनता जिनको परेशानी ना हो उनके बारे में सोचना है। अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूंगी और अभी भी आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, फायर डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। तमाम रिसोर्सेज लगा के काफी हद तक जो है आग है उसको काबू में ला लिया है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जो वादा है कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने का, आपको मालूम है स्टैंडिंग कमेटी का गठन अभी तक नहीं हो पाया है। हमने तीनों जितने भी लैंडफिल्स हैं उनके लिए हमने पैरेलल टेंडर्स भी लगाने की कोशिश करी थी, पर स्टैंडिंग कमेटी का गठन ना होने की वजह से ये काम बीच में अभी अधूरा रह गया। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंडिंग कमेटी का गठन करने में जो रोल अपनाया है उससे दिल्ली की जनता सफर कर रही है। दिल्ली का लैंडफिल साइट तो आप लोगों के चुनावी बहुत बड़ा मुद्दा था नगर निगम चुनाव में, जो आप लोग देखिए आप भलसवा में देख सकते हैं सबसे बेहतरीन काम जो है भलसवा लैंडफिल पे चल रहा है और काफी हद तक वो विजिबिलिटी है कि जो कूड़े का पहाड़ है वो पहले से कम हो चुका है। मीडिया को भी यहीं तक रोक दिया गया है, कई सारी जो गाड़ियां हैं फायर की वो खराब होकर जा रही है, मीडिया को यहां पर ही क्यों रोका जा रहा है? देखिए आगे नहीं जाने दिया जा रहा क्योंकि काफी धुआं है और कहीं ना कहीं हमें भी मीडिया पर्सन की सेहत का ध्यान है। मैं आपसे अभी भी निवेदन करूंगी ज्यादा आगे ना जाएं क्योंकि सांस लेने में परेशानी आ सकती है। लोगों को काफी परेशानी है, वो कह रहे हैं सांस लेने में दिक्कत है।